ये देखो माला देख ले तुम उनको, देखो आलू चाहिए सेब संतरा है करो। नमस्कार किसान साथी, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं एक क्षेत्र के रहकर जो क्षेत्र का जाना माना प्रतिष्ठित कोल्ड स्टोर है। यहां पर आलू की बोली लग रही है मंडियों में उछाल के बाद में, अब कोल्ड स्टोरेजों पर भी उछाल देखा जा रहा है। आलू में बेहद करंट है और ऐसे में अगर किसान इस रेट को लेना चाहें तो मुनासिब रेट इस समय पर चल रहा है, उत्पादन लागत मिल रही है और लाभकारी मूल्य भी मिल रहा है। अगर हाँ बात अगर ज़्यादा लालच की है तो वो ज़्यादा लालच भी मिलने में कोई ज़्यादा समय भी नहीं है। बरसात का मौसम चल रहा है और कोल्ड स्टोरों पर लोटासी हो गई है। हालांकि किसान भी अभी आलू को रोके हुए बैठा है और व्यापारी भी अभी रोक के बैठे हैं, 3-4 हज़ार पैकेट व्यापारी भी रोक के चल रहे हैं। उन्हें भी उम्मीद है कि आने वाला बाज़ार काफ़ी अच्छा हो सकता है, लेकिन आने वाला बाज़ार कैसा होगा इस बारे में भी जानकारी सभी को स्पष्ट हो जाएगी। और इस समय पर जो रुझान चल रहा है अगर बात की जाए तो जो मेजर सौदे 37-97 के हैं वो 750 रुपये से लेकर 900 रुपये प्रति पैकेट तक हो रहे हैं, जैसा आलू वैसे क्वालिटी के आधार पर। अगर चिप्सोना की बात करें तो चिप्सोना 900 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रति पैकेट तक बिक रहा है। सिंदूरी आलू की बात करें तो 650 से 750 तक बिक रहा है। ख्याति आलू की बात करें तो ख्याति आलू जो है 750 रुपये से लेकर 750-800 रुपये तक बिक रहा है। अगर 302 की बात करें तो 800 रुपये से लेकर 830 रुपये तक, 302 जिसे सुपर सिक्स भी बोलते हैं। अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा जो महंगा आलू बिक रहा है वो इस समय पर सूर्या बिक रहा है। सूर्या 1200 रुपये प्रति पैकेट के, अलीगढ़ का हो, बदायूं का हो या हो संभल का, सूर्या के दाम 1200 रुपये प्रति पैकेट तक चल रहा है। हालांकि 37-97 के जो आलू है उसके रेटों में बहुत ज़्यादा डाउन ग्रेडेशन देखा जा रहा है। 37-97 आलू जो है वो आज भी 750 रुपये से लेकर 850 रुपये तक प्रति पैकेट तक बिक रहा है। और अगर आलू में थोड़ा बहुत अंतर है, क्वालिटी साफ है तो वो 900-950 तक भी बिक रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो 37-97 बिक रहा है उसका जो रेट है वो 750 रुपये से लेकर 850 के बीच में ही है। ऐसे में 37-97 की अपेक्षा हाइब्रिड ज़्यादा अच्छे रेटों पर बिक रहा है। चलिए अब इस शीतगृह में क्या स्थिति बोली की चल रही है वो देख लेते हैं। उसके बाद में आपसे एक निवेदन मेरा आपसे यही रहेगा, किसान हित में वीडियो को सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुक ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाजार क्या चल रहा है? बाजार चल रहा है 850 रुपये। 850 रुपये सौदे जो है आलू के हिसाब से हो रहे हैं या घंटेमारी हो रही है? नहीं, आलू के हिसाब से हो रहे हैं, जैसा आलू पैसे। अच्छा, अच्छी क्वालिटी का आलू जो है साफ़ेद ताज़ा बिगर उसका डब्बे वगैरह दागी भागी वो कितने का बिक रहा है? एक दागी भागी आलू, हाँ दागी कितने का आलू? दागी बिक रहा है 750 रुपये। और फ्रेश आलू, फ्रेश एक्स्ट्रा सुपर आलू बिक रहा है 850-900 रुपये। 850-900 रुपये अभी कितना अनुमान देख रहे हैं आप जो है? 1000 रुपये लेवल पहुँच जाएगा, लेवल पे 1000 इस समय पे वो बिक रहा है सूर्य आके 1000 नहीं है वो 1050। अरे सूर्य अलग, वो क्वालिटी है, वो शुगर फ्री है, ये शुगर फ्री हो रहा है 37-97। 37-97 तक कहाँ मान रहे हैं आप? फिलहाल 850-860 रुपये बिक रहा है जो मेजर सौदे हो रहे हैं। हाँ, जो तक का हो रहा है वो 750-750-750 ज़्यादातर जो सौदे हो रहे हैं, मतलब बढ़िया आलू बढ़िया रेट में है। हाँ, अगर आज दिल्ली की आजादपुर मंडी की बात की जाए या मदुरई भट्टियापालम की बात की जाए, यहाँ 37-97 के रेट डाउन है और आपसे चिप्सोना है, ड्राई सोना है, सोना है, हाइब्रिड है, इनके दाम ज़्यादा है, ऐसा क्यों? वो शुगर फ्री की वजह से। आगे क्या भविष्य क्या कह रहा है आप? भविष्य अंधकार में है, कई किसान कह रहे हैं कि 1200 हो जाएगा, 1500 जाएगा। किसानों के लोग सोच हैं जिनके पास आलू रखे हैं, बता रहे हैं कि 1200 बिकेगा, जिनके आलू नहीं बिके वो कह रहे हैं बिके कम बिकेगा, जो कम जो जिनका बच्चा नहीं बचा है वो कह रहे हैं ज़्यादा महंगा बिकेगा। हाँ, और जिनका बचा हुआ वो नहीं कह रहे, वो नहीं नहीं कह रहे। इस समय किसानों के लिए क्या सलाह रही है? किसानों को सलाह दिएगा आधा आधा आलू किसान बेच दें अपना आलू। ऐसा कौन सा आलू है जिस पर किसान जो है रोक के चले हैं जिस पर 1000 या 1200 या 1500 की रेट हो जाए? एकदम एक्स्ट्रा सुबह डबल इंग्लिश आलू, कलर वाला हो। हाँ, कलर वाला हो। ऐसा जो चित्ती वगैरह तो नहीं 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 वो तो आलू भेज देना चाहिए, भेज देना चाहिए। अभी जो निकासी है वो जो है 70.5% है, कई किसानों को गुमराह किया जा रहा है कि 25% निकासी हुई, कहाँ तक सही मान रहे हैं? हाँ, 18-20 के आसपास हो गई, 25 निकासी है। हाँ, ज़्यादा नहीं हो पाई जी। इस समय बाजार चल रहा है 750 से 850। आगे क्या स्थिति देख रही है? आगे स्थिति ये होगी, जो अच्छे आलू हैं, चमकदार आलू है, बढ़िया आलू है, बढ़िया क्वालिटी का आलू है, वो 1000-1100 से बिकने की संभावना है। अभी बारिश का दौर चल रहा है, बरसात में कितना करंट देख रहे हैं आप? कितना बढ़ गया है? बरसात में जो है अभी 150 रुपये बढ़ गया है,
150 रुपये। पहले जो है आलू, अभी एक महीने पहले आलू जो है 100 रुपये रेट गिर गया था, अब 150 रुपये एकदम रेट बढ़ गया। तो इस स्थिति को देखते हुए मैं अपने उस दिमाग से कह रहा हूँ कि आलू जो है 1,500-1,150 रुपये पहुँच सकता है, बढ़िया आलू किस लिए। 18 के आसपास अभी इस समय पे सूर्या के रेट 1200 रुपये प्रति पैकेट चल रहे हैं जी। तो क्या वो आलू नहीं है? जी आलू है, आलू क्यों नहीं है, वो शुगर फ्री आलू है, वो जो 1500 रुपये जा सकता है। किसानों को इस समय पर क्या करना चाहिए? किसानों को ये करना चाहिए, उन्हें अपना आलू थोड़ा थोड़ा निकालना चाहिए, जिसका ज़्यादा आलू है उसे अपना थोड़ा थोड़ा आलू निकालना चाहिए। इसी तरीके से किसान भाइयों से ये निवेदन है कि अपना आलू निकालें, घर नहीं बैठें, और घर बैठेंगे तो फिर काम ख़राब हो जाएगा भाई, आप ही का नुकसान हो जाएगा और क्या है भाई। कहाँ से पैसा लाओगे जब गाड़ने के टाइम, कढ़ाई के टाइम कहाँ से पैसा लाओगे आप? हैं कितने समय टाइम का समय रहेगा कढ़ाई में? अभी कढ़ाई में रहेगा है 3.5 महीने का। 3.5 महीने जी किसान बेच नहीं रहा, बेचेंगे 2 महीने जी नहीं, जब बेचोगे एकदम किसान टूटेगा तो फिर तो आलू का रेट अपने आप ही मद्दा होगा। तो इसलिए किसान भाइयों कोल्ड स्टोर पर आएँ, अपना आलू बेचें, दिखाएँ आलू को। अरे एक दिन नहीं, 2 दिन में 3 दिन में तो बिक ही जाएगा, वो आप घर बैठे रहोगे तो कहाँ से आलू बिकेगा। व्यापारी से फिर कहेंगे कि व्यापारी ने वो आलू जो है मद्दा ले लिया। मद्दा क्यों ले लिया भाई, व्यापारी तो आलू का भाव जो है अच्छा रख रहे हैं, अब आपको लेना चाहिए। देखिए बाज़ार 37-97 आलू बिक रहा है 800 रुपये से लेकर 900 रुपये, दागी आलू बिक रहे हैं 700 से 800 रुपये, और जो 300-200 आलू आता है शमशाबाद का उसकी पोजिशन है 900 से 950 रुपये। जो आगरा की जो खबर आ रही है वो आलू शमशाबाद का है और उसकी पोजिशन 950 रुपये तक। आगे क्या लग रहा है सर? आगे भैया आगे की हम नहीं बता, आगे तो पत्रा पंडित बता सकते हैं, हम लोग नहीं बताएंगे। कोई बढ़िया ब्राह्मण पकड़ो जिसके पास पत्रा हो, या कोई मुल्ला पकड़ो जिसके पास कुरान वगैरह हो, बेच जी वो बताएंगे, हम लोगों के पास पत्रा नहीं है भाई, हम तो रोज़ ले रहे हैं, रोज़ बेच रहे हैं। किसानों के लिए क्या आपकी गाइडेंस रहेगी, क्या रोज़ बेचो और ज़्यादा से ज़्यादा बेचो, अगली फसल की तैयारी करो। भैया जी 4 लाख पैकेट तो जून में लग गई थी और जुलाई की लग रही, जून में लगी है 4 लाख और जुलाई में लगी है 4.5 लाख, 8 लाख से ऊपर लगी है, जानकारी पूरी कर लेना, आपको बता दिया। इस समय जो हसन का जो स्थिति है, आप हसन में गए थे अभी कल ही लौटे हो, तो इस समय क्या बाजार है और क्या हसन की वास्तविक स्थिति क्या है? ऐसा वास्तविक स्थिति है हसन में, पिछली बार भी 7-8 कट्टे लगा था, अब की बात 4 लाख रुपये जून में लगाए और जुलाई 3 लाख कट्टे जून में लगाए और जुलाई में कुछ में लग गया, मई जून में 8 लाख कट्टे लग गया करीब, 8-8.5 मई और जून में 8.5 लाख पैकेट। हाँ 4 लाख मई में और 4-4.5 लाख के करीब उसमें जून में। अब ऐसे में कई चैनल वाले किसानों को भ्रमित कर रहे हैं कि 3 लाख पैकेट लगाए और आलू के अच्छे रेट मिलेंगे, कहाँ तक आप सही मान रहे हैं, अभी बाजार मार्केट कहाँ तक चल रहा है? देखो ये कुछ नहीं कह सकते आगे क्या होगा, कल को हसन में नुकसान हो जाए तो पैसे बढ़ भी सकते हैं और हसन अच्छी आ गई तो पैसे गिर भी सकते हैं, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। वैसे आलू कोल्ड स्टोर में पूरा है, कम नहीं है, मैं पहले 850 तक हुए, अब कुछ ढीले हुए बाजार बीच में, इस वजह से बोली ढीली है। किसानों की सलाह तो ये है कि किसान बस थोड़ा थोड़ा सब बेचें तो अच्छा है। देखो माला देख ले तुम, उनको देखो आलू चाहिए, सेब संतरा है, तो ये थे किसान साथियों मेरे साथ में कोल्ड स्टोरेज से समस्त भाव, जो कि व्यापारियों का भी मैंने आज इंट्रोडक्शन करवाया, कई किसानों का करवाया। कैसी लगी वीडियो इस बारे में आप कमेंट में राय लिख के जरूर बताना, और हाँ जब भी 1000 या 1200 का आलू होगा उसे भी हम दिखाएंगे, लेकिन आपसे निवेदन यही रहेगा कि अगर आपके आलू के दाम अच्छे लग रहे हैं तो निकालने में भलाई समझिए, क्योंकि महज 3.5 महीने का समय शेष रह गया है। ऐसे में अगर आप
आलू को अपने सीने से लगा के रखेंगे और ये सोचेंगे अभी अक्टूबर में 3 महीना है या ये है, फिर आप जैसे पूरे देश भर में लाखों नहीं करोड़ों किसान हैं वो भी इसी तरीके से सोचे हुए हैं, फिर आपके कंडीशन क्या होगी वो अलग बात है, लेकिन इस समय पर आलू के अच्छे रेट हैं। हसन की फसल की भी रिपोर्ट व्यापारी ने बता दी, जो कि हसन का पूरा ट्रांसपोर्ट करते हैं यहाँ से, हाँ उनके द्वारा जो आलू खरीदा जाता है वो 850-900 ही खरीदा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आलू जो अच्छा बिक रहा है वो इस समय पर सूर्या बिक रहा है, 1200 रुपये प्रति पैकेट का आज दिल्ली के आजादपुर मंडी में रेट चला है, तो ये उन किसानों के लिए अच्छी बात है और वो भी अपना आलू को अब धीरे धीरे निकालना शुरू कर दें, क्योंकि 2.5 महीने में ही धीरे धीरे करके निकालोगे तभी आलू कोल्ड स्टोर में बाहर आएगा। अगर सभी इस तरीके से देखे रहेंगे कि हम अक्टूबर तक का भाड़ा दे रहे हैं या साल भर तक का भाड़ा दे रहे हैं तो हम लास्ट तक देखेंगे, तो ऐसे ही देखने देखने के चक्कर में गंगा हाथ से बह जाती है, फिर हाथ में कुछ नहीं आता सिर्फ दिखावे के, फिर आरोप लगता है कि इसने नहीं बिकने दिया, हमारा 850 बिक रहा था कि हमारा 1100 बिक रहा था, इस तरीके से फिर लास्ट तक यही होता रहता है। तो आपसे यही दरख्वास्त रहेगी, यही निवेदन रहेगा, आलू को हर रेट में बेचते रहिए, जो बढ़िया आलू है उसी के अच्छे रेट मिलेंगे और जो दागी आलू है, अगर हसन की फसल 8 लाख से अगर डैमेज हो गई बरसात की वजह से तो आपको हो सकता है, लेकिन इस समय पर हसन की फसल काफ़ी मजबूत स्थिति में आ रही है और हसन की भी ग्राउंड रिपोर्टिंग मेरे द्वारा अब इस साल आपको दिखाई जाएगी और बहुत ही जल्द आपको ये शुभ संकेत भी मैं दूंगा कि मैं किस दिन हसन जा रहा हूँ और हसन से आपको रिकॉर्डिंग सीधा लाइव दिखाऊंगा किसानों से बातचीत करके। तो कैसी लगी वीडियो आपका कमेंट जरूर लिखिएगा, सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुपों में वीडियो शेयर करेगा। धन्यवाद किसान साथियों, आपका दिन